हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम है थारा मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्ट हुई है 7 बजे सुबह के, और मौसम तो मैं दिखा दूँ बहुत अच्छा है क्योंकि कल बारिश हुई थी, उसके बाद क्या हालत रहा हूँ देखो। थोड़ा थोड़ा नहीं अंधेरा सा दिखा है क्योंकि वैसे 7 बज रहे हैं पर बादल हो रहे हैं, इस वजह से दिखा है। घर का सारा काम हो गया, झाड़ू वगैरह सब हो गया। वो मेरा देवर सो गया है, पहले बाहर का काम करके आऊँगी, उसके बाद इसकी चाय बना के देंगी। ये मैंने चार्टर रख दिया, उसका थोड़े बोर हो जाओ आज की वीडियो में क्योंकि मैं काम की वीडियो बनाऊंगी और साउंड ना दूंगी आज। हालत दिखा दी सामने देखो, कबाड़ खन्ना हो रहा सारा। या वेट करे बेचारी, मैंने कोई बांध देगा इस पेड़ की वजह से है बुरी हालत। गोबर ही गोबर है बेटा, गोबर ही गोबर, समझना पड़ेगा सारा। इसने उरा बांध दूंगी, पहली तो मैं गाय ने बांध दूंगी दूसरे खुट्टे पे क्योंकि यह सारी रात इस खुट्टे पे बंद रही थी, तो गोबर और क्रश हो जाए, क्रश मतलब कि गोबर ने अगर काट देवे तो वह कचरा हो जाओ, उसने क्रश कहा हो रहा तो क्रश या कर्श बेरा को नहीं दंग दे तो मरने भी ना बेरा, पर क्रश बोलते सुने दे। तो मैं इसमें तो बांध दे हूँ और जब तक दूध ना निकालना जब तक यह उरे बंदी रहेगी, उसके बाद उरे धूप आ जावा है, 7-8 बजे के आसपास धूप आ जावा है, तो इसने दूसरे कुत्ते पर बांध दूंगी और जब तक इसने उरे बंदी रहेगी फिर पानी पिला के और दूसरे कुत्ते पर बांध दूंगी। फिर मैं उठा लूँगी गोबर क्योंकि जो सारा रात बंद रही थी, तो जितना भी पड़ा है ये सब उठा के और थापना हुआ है। अगर बारिश आ रही होगा तो ये थपा को नहीं क्योंकि फिर खराब हो जा बूंद पड़ के, तो इसने मैं उठा लूँगी। जब तो ये कुरडी में गिरना पड़ा है, कुरडी मतलब कि कचरा की जो ढेर हो उसने कुरडी का, तो मैं सारा उठा लूँगी। और कल बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो रही है, सारे पत्ते भी गिर रहे हैं और जितनी भी मिट्टी है सारी गिल्ली हो रही है। और गाय जब चला है तो खड्डे से बिठा दे वह है क्योंकि इसके खुर हुए हैं, तो उनते यो कच्चा आंगन है तो यो खराब हो जाए, तो दिखता ही होगा हमने भी, तो बस मुश्किल हो जाएगा काम करना फिर बारिश के मौसम में। और कुछ मिट्टी में झाड़ू करना भी इतना आसान ना होता, या तो मेरे जो बाड़ा है इसकी मिट्टी जम रही है, काफ़ी लोग हैं जिनके बाड़े में मिट्टी इस तरह है जिस तरह रेगिस्तान हुआ है, उसमें तो कचरा निकालना इतना मुश्किल हो जा है क्योंकि फिर झाड़ू चलती ना उसमें और नीचे दब जा है कचरा, तो बहुत परेशानी हुआ है। शुक्र है कि मेरा बाड़ा मिसाल गुनी और वही बारिश पड़ेगी तो और भी ज़्यादा जम गया हो, तो मैंने इतनी दिक्कत ना होगी झाड़ू करने में। तो मैं अब गोबर उठा लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू करूँगी सारी। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैंने काम का बनाया है और फास्ट मैंने वीडियो करी को नहीं है वाली क्योंकि फिर इसमें अजीब सा लगा है फास्ट वीडियो में देखने में, और जो लास्ट का काम था वो मैंने फास्ट में दिखा दिया क्योंकि फिर ज़्यादा ही बड़ा व्लॉग हो जाता और फिर हम भी बोर हो जाते, तो इस वजह से। तो ये गोबर मैंने सारा डाल दिया, इसने मैं जब दूध निकालेगी उस टाइम पे मैं इसमें थाप दूंगी, फिर मैं हाथ धो लूँगा मेरे। मैंने व्लॉग के चक्कर में कितना दुखी होना पड़ा है, मैं फ़ोन लेकर घूमना बहुत मुश्किल हो जावा है क्योंकि बाहर का एरिया रहेगा, बाहर के एरिया में मैं स्टैंड भी ना लगा सकती, तो मैंने यूँ ही ज़मीन में या फिर किसी चीज़ का सहारा लेकर फ़ोन रखना पड़ा है। और इब भी पानी की टंकी के पास फ़ोन रख रखा है, तो बहुत डर रहा है फ़ोन टूटने का भी। देखने वाले ने बहुत आसान लगा है कि ठीक है कैमरा उठाया व्लॉगिंग कर लिया, पर इतना आसान ना होता कैमरा साथ लेकर घूमना और इतनी सारी दुनिया के बीच में व्लॉगिंग करना सबसे बड़ा टास्क हुआ है। तो यो मैंने डाल दिया इसके चारा, इसका जिसने तूड़ी बोला है मेरे उरे सानी तूड़ी कहवा है। और इस मौसम में घास होता को नहीं क्योंकि जितना भी था वो सब
काट लिया था, और ये थोड़े दिन बाद जब दोबारा फसल उगेगी, जब घास होगा, तो जब तक इसने सूखा चारा ही दिया जाओगा। तो जो मैं फेरू हूँ इसका नाम होगा दत्ताली। इस तरह जो भी ये मिट्टी हो है या बराबर कर ली जावे, क्योंकि यह बंदरी थी तो इसकी वजह से मिट्टी सारी इन उन्न हो रही है, तो मैं इस तरह बराबर कर दूंगी। इसने इन चीज़ों का मैंने खुद नॉलेज ना थी, मैं शहर से हूँ पर मेरी शादी गांव में हुई है, तो ये सब कुछ देख देख के सारा कुछ सीखा। मैंने नाम भी मैंने ना पता था, और कुछ चीज़ तो इसी है जो मैंने ये बिना बेरा की ये चीज़ों में नाम भी ना पता, उनका काम क्यों वो भी ना पता, पर धीरे धीरे सब नॉलेज हो जाओगी उधर रह के। तो मैं इसने बराबर कर लूँगी। गाय भी ब्लॉग देखा है फ़ोन की तरफ ध्यान है इसका, इसने भी बेरा है कि फ़ोन चलाया है। और जब मैं इसने खोल के बंद थी, जब भी अब भाग गई थी फ़ोन के पास, कितना देख लो कितना मुश्किल काम हुआ है, बहुत देर लग जाओ है बाड़ा का काम करने में, घर का भी बहुत सारा काम हो जाओ है, आधा दिन निकल जाए काम काम में। और फिलहाल तो मैं अकेली काम करूँ हूँ, माँ तो अपने घर जा रही है, तो बहुत दिक्कत आ रहा है। अकेले बंदे का बहुत सारा काम हो जाए जब घर में अगर गाय भैंस हो तो। और फिर मैं सिलाई का भी करती रहूँ हूँ बाकी बचे टाइम में, तो इतना कुछ हैंडल करना आसान ना होता। और फिर वीडियो अपलोडिंग का काम, और ऊपर तो मेरे उधर नेटवर्क ना रहता तो बहुत परेशानी रहा है। काफ़ी बार तो हिसाब जब बारिश आ जाए जब तो फ़ोन बिल्कुल ना चल रहा, तो मैंने ब्लॉग अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कत आवे हैं, पर मैं थोड़ा टाइम लग जा है पर ब्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि तो हमने भी वेट रहा है मेरा ब्लॉग का। ये मैंने ब्लॉग डालने थोड़े कम कर दिए क्योंकि व्यू बहुत कम आवे हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर। और रिक्वेस्ट है कि अगर देखो वीडियो ने तो पूरी देखा करो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो, मन भी पता चलता रहे और मन मोटिवेशन मिले। तो साथ दोगे तो मैं डेली अपलोड करूँगी, और अगर मैं फिर यू ही करते रहोगे ना व्यू आओगे तो फिर मेरा मन भी ना करता डेली व्लॉगिंग करने, तो मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन व्लॉग डालूँगी। अब तो मैं निकाल लूँगी झाड़ू, thank you।